जय किसान भाई, सभी किसान साथियों को आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं महिंद्रा के यूवो टैक प्लस 275 DI मॉडल का। तो किसान भाई, इस ट्रैक्टर की मैं आपको फुल जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो बने रहें वीडियो के अंदर। तो एक बार मैं आपको इस ट्रैक्टर का और रिव्यू आपको दिखा देता हूँ। देखिए किसान, तो किसान भाई, अगर इसके फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक से देखने पर आपको ट्रैक्टर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और इस ट्रैक्टर के ऊपर आपको महिंद्रा की बैजिंग देखने को मिलेगी और हेलोजन हेडलैम्प विद फ्रंट ग्रीन क्रोम फिनिशिंग जाली के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये किसान भाई, इसका बम्पर दिया हुआ है जो कि फुल हैवी बम्पर दिया हुआ है और ये इसके साथ एक वेट लगा हुआ आता है। तो किसान भाई, अगर इसके फ्रंट एक्सल की बात करें तो ये नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल दिया हुआ है इसका, और पावर स्टेयरिंग है जो डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग इस ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ है। किसान भाई, अगर टायर साइज की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर टायर साइज 6/00/16 के फ्रंट टायर दिए हुए हैं जो कि MRF कंपनी के दिए हुए हैं। और रियर टायर की बात करें तो रियर टायर 13/28 के रियर टायर दिए हुए हैं जो कि शेट कंपनी के देखने को मिलेंगे आपको। तो इस ट्रैक्टर की किसान भाई, अगर बात करें तो ये ट्रैक्टर आपको ड्यूल क्लच और 6 ईयर वारंटी के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, मैं इस ट्रैक्टर का आपको बोनट ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए किसान भाई, इनसे आराम से इस ट्रैक्टर का बोनट ओपन हो जाता है। तो किसान भाई, इसके अंदर डीजल पंप की बात करें तो ये बोस कंपनी का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप आपको देखने को मिलेगा। और अगर किसान भाई, इसके इंजन की बात करें तो ये MGP इंजन है इस ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ है जो कि 2235 cc का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। अगर एयर क्लीनर की बात करें तो ये किसान भाइयों ड्राई टाइप एयर क्लीनर आपको देखने को मिलेगा जो कि विद सेंसर के साथ दिया हुआ है। और अगर इसके रेडिएटर की बात करें तो ये भी किसान भाई, इस ट्रैक्टर का काफ़ी बड़ा रेडिएटर दिया हुआ है देखिए किसान भाई। और इसके अंदर आगे भी इसके अंदर ये जाली लगी हुई है। तो किसान भाई, अगर इस ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक की बात करें तो ये इसका फ्यूल टैंक 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है कंपनी के द्वारा। और प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो ये किसान भाई, फ्लैट प्लेटफॉर्म इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो गेयर बॉक्स इसके अंदर किसान भाई, प्लेंट्री ड्राइव गेयर बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर गेयर स्पीड की बात करें तो 12 गेयर आपको फॉरवर्ड और 3 गेयर रिवर्स के देखने को आपको मिलेंगे। तो ये देखिए किसान भाई, हाई लो और मीडियम। और दूसरी साइड की अगर बात करें तो ये देखने को मिलेगा, ये 4th गेयर आपको टॉप गेयर। अगर किसान भाई, इसके डिजिटल मीटर की बात करें तो ये डिजिटल मीटर आपको दिखा देता हूँ इसका ऑन करके। तो देखिए किसान भाई, ये इसका डिजिटल मीटर दिया हुआ है जिसके अंदर आपको यहाँ पे डीजल के बारे में शो कर रहा है और ये टेम्परेचर, ये हाउस मीटर आ गया इसके अंदर और बाकी ये मीटर देखने को मिलेगा आपको। ये एक किसान भाई कॉम्बिनेशन स्विच इसका दिया हुआ है जिसके अंदर आपको हॉर्न भी आ जाता है और हेडलैम्प भी आपको देखने को मिलेंगे और ये इंडिकेटर आपको इस ट्रैक्टर के देखने को मिलेंगे। तो किसान भाई, अगर इस ट्रैक्टर की प्लेटफॉर्म की बात करें तो काफ़ी खुला डुला इस ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और ये किसान भाई, इस ट्रैक्टर का हैंड ब्रेक दिया हुआ है और ये DC और PC लिफ्ट कंट्रोल के वाल दिए हैं। अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो किसान भाई, इसके लिफ्ट कैपेसिटी 1700 kg लिफ्ट कैपेसिटी इस ट्रैक्टर के अंदर दी है। ये किसान भाई, 540 के लिए आपको PTO के 540 फ्रंट के ये दिए हुए हैं। और क्लच की बात करें तो किसान भाई, ये ड्यूल क्लच ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इसके पिछले हिस्से की बात करें तो किसान भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर इसका पिछला हिस्सा जो किसान भाई, MTEC हाइड्रोलिक के साथ आपको देखने को मिलेगा। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 1700 kg लिफ्ट कैपेसिटी दी हुई है। ये एक किसान भाइयों के लिए एक ऑक्सरी वाल कंपनी फिटेड देने लगी है। और इसकी किसान भाइयों की पिछली ट्यूब की बात करें तो ये काफ़ी
ईपी ईसाइस ट्रैक्टर के अंदर दिए हुए, जो कि काफ़ी हेवी ईसाइस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और ये किसान भाइयों हुक भी जो कंपनी फिटेड ही आपको देखने को मिलेगी, और ये एक सिंपल सी हेलोजन हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों इस ट्रैक्टर की अगर बैटरी बॉक्स की बात करें तो ये भी काफ़ी शानदार बैटरी बॉक्स इसका दिया हुआ है। इसके अंदर आपको एक साइड की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। और ये बाकी किसान भाइयों इस ट्रैक्टर का आप पंप देख सकते हैं। इसका जो फ्यूल ऑयल पंप है ये आपको किसान भाई 37 लीटर का ऑयल पंप है आपको देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद भाई सभी किसान भाइयों का। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।